सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की डिस्प्ले के ऊपर बार बार ऐड आ रहा है, ठीक है, मेरे फ़ोन के ऊपर देख सकते हो, बार बार ऐड आ रहा था, बार बार ऐड आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बंद करने के लिए नेट भी बंद कर रहा हूँ और ऐड फिर भी आ रहा है। इसको बंद करने का कुछ बस 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। और ये देखिए गाइस, ये ऐड आ गया, देख पा रहे हो आप? ये ओनली डिस्प्ले पे है, ना कि किसी ऐप के ऊपर है। ये देखो, आपको मैं आराम से दिखाता हूँ। अगर आपको भी इस तरीके की अगर परेशानी आ रही है, देखो फ़ोन भी आ रहा है और ये ऐड भी आ रही है। मैं फ़ोन को कट कर देता हूँ एक बार, ठीक है गाइस। अब इस ऐड से बाहर जाने के लिए मेरे को देखो, ये देखिए गाइस, अब इस ऐड को बाहर जाने के लिए मेरे को मेन ऐसे दबा के बाहर आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐड को बंद कैसे करें, ठीक है, तो मैं इसको बड़े साधारण तरीके से आपको बताता हूँ। इसमें क्रोम ब्राउज़र में जाओ आप, सॉरी मैं तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोलता हूँ अपना, ठीक है, और उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे सेटिंग के अंदर गाइस। सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाओगे, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है आपने और साइड सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे हम देखेंगे नीचे, ये देखिए गाइस, एड्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे और बैक आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। उसके बाद इसको दोबारा से नीचे कर देंगे और फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाला जो है कुकीज़ का, आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए कुकीज़ का, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए गाइस, ये मेरी जो है ऐड, यहाँ से थर्ड पार्टी ऐड चल रही है, यहाँ पे कुछ हो रखा है यहाँ पे गड़बड़, और मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो ब्लॉक मैं ब्लॉक ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, आपको सिंपली यही करना है और वापस आ जाना है और फिर वापस वापस और बिल्कुल अपना जो भी काम धाम है कर सकते हो, अब आपकी ऐड नहीं आएगी। ये देखिए गाइस, बस चुटकियों में ये ऐड बंद हो जाएगी, ठीक है, ये आपके सामने फ़ोन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।